नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले स्टोर पर बजट एंड हिस्ट्री का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक प्रोफाइल आइकन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बजट एंड हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी ऐप परचेज किए होंगे, यानी कि जो भी ऐप का आप सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, वह दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक भी ऐप का भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हुए हैं और नहीं परचेज किए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा एक भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर मेरा 00 अमाउंट शो कर रहा है। अगर आप किसी भी ऐप का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिए होंगे या परचेज किए होंगे, तो यहाँ पर आपका वह अमाउंट शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप जनवरी में, यानी कि आप यहाँ पर जो भी महीना चल रहा है, उस महीने में आप कितना रुपये यहाँ पर प्ले स्टोर पे आप परचेज किए हैं या जो भी चीज़ सब्सक्रिप्शन लिए हैं, कितना खर्चा किए हैं, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप जनवरी में इतना रुपया खर्च कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी बजट सेट कर दें, जैसे कि आपको फरवरी में आपको मिनिमम 1000 रुपया खर्चा करना है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि हमको 1000 रुपया से ज़्यादा जैसे ही हम खर्चा करेंगे या उसके करीब जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हमको एक नोटिफिकेशन मिले कि हम इतना रुपया से ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं या अब जो मेरा लिमिट यहाँ पर जो सेट किया गया है उसके करीब आ गया है, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे आप अपने खर्चे को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर बजट सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि सेट बजट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी बजट यहाँ पर देना है, यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको डालने के बाद आपको क्या करना है कि सेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे सेट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका बजट सेट हो जाएगा। अगर आप इस बजट को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिमूव बजट पे क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो बजट डिलीट हो गया है। और यहाँ पर नीचे में जो भी आप ऐप परचेज किए होंगे या उसका सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, वो तो नीचे में हिस्ट्री में दिखेगा और यहाँ पर यह डिलीट नहीं होगा। यह ऑटोमेटिक 1 साल के बाद, यहाँ पर जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, यहाँ से वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि प्ले स्टोर पे बजट एंड हिस्ट्री का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।